जो कि फिटनेस से रिलेटेड है। और आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यार, आज मेरी मतलब ये लगा लो मेरा आज यूट्यूब फैमिली जो है ना मेरी, यानी कि जितने भी आप लोग देखते हो तो एक मेरी फैमिली हो आप लोग, तो आज मेरी फैमिली से मुझसे को आज कोई मिलने आया था। मिलने तो बहुत लोग आते हैं मगर आज जो मिलने आया वो स्पेशल था। उसका नाम है मिस्टर राहुल, राहुल फिटनेस, और वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आया जिसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, गिफ्ट तो मुझे दुनिया भर के पता नहीं कितने मिले हैं अब तक मेरे फिटनेस इंडस्ट्री से, मगर मैं आपसे शेयर करूँगा जो मुझे गिफ्ट मिला है, ये है वो गिफ्ट। आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा, सच में यार अमेजिंग। राहुल को मैं थैंक्स बोलता हूँ, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। और आज का टॉपिक है हमारा बिगनर्स जो पांच जो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, आज उसके बारे में बात करें। सबसे पहली जो गलती करते हैं बिगनर्स, उन्हें बता दिया जाता है हमेशा कि आप बल्किंग पे हो, साइज गेन कर रहे हो, तो ज़रूरत से ज़्यादा बहुत कुछ खाओ। आप बहुत कुछ में क्या क्या आता है, जो उन्हें मिलता जाता है वो सब खाते जाते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, समोसे हो गए, जितना भी जंक फूड वो खा सकते हैं। उनको उनके कोच यही बताते हैं कि आप अभी गेनिंग कर रहे हैं तो सब कुछ खाइए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये सब जंक फूड खा के तो आपके ऊपर एक सिर्फ फैट की लेयर आएगी, नॉट ए मसल्स की लेयर। तो प्लीज़ मसल्स तो आपके वर्कआउट से ही बनेंगे और गुड न्यूट्रिशन से बनेंगे। बल्किंग का मतलब ये होता है, बल्किंग का मतलब ये नहीं कि आप जंक फूड खा करके फैट की लेयर चढ़ा लें। अच्छा, फिर उनको एक शिकायत रहती है, क्या शिकायत रहती है उनको, फिर एक शिकायत रहती है कि यार जैसे ही मैंने अपना कटअप के लिए वर्कआउट किया तो मेरा मसल जो था वो सब लॉस हो गया। अरे मेरे भाई, वो मसल नहीं था, वो फैट था आपका। तो प्लीज़ इस बात को आप समझो, अगर आप मसल बढ़ाओगे तो आपको अच्छा फूड और अच्छा न्यूट्रिशन लेना होगा। सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड ये है कि जिम में घुसते ही बच्चों को ये लगता है कि यार एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ लिया जाए। मैं अभी बिगनर्स की बात कर रहा हूँ, मेरा चैनल ज़्यादातर बिगनर्स के लिए ही है, तो उनकी सोच ये रहती है कि प्री वर्कआउट में क्या लें, प्री वर्कआउट में कुछ भी लें या एनर्जी ड्रिंक लें। अरे मेरे भाई, आपकी जो एज है ना, इस एज में आप अगर बिना कुछ लिए भी वर्कआउट करोगे तो आपको बहुत जल्दी लगेगा। आपको ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, आप नेचुरल ट्रेनिंग करो, आपको ज़रूरत ही नहीं है यार, बिलीव करो। पता नहीं आजकल क्या क्या चल रहा है यार, कॉफ़ी, प्री वर्कआउट, क्रिएटिन, सप्लीमेंट्स में झोंका जा रहा है उन लोगों को, या फिर कोई मेडिसिन। जैसे मुझे मैसेज आते हैं कि सर मैं जिम ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो आप मुझे, और मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि अभी किस जिम में जा रहे हैं, मुझे पता तो रहे ना कि किस जिम में जा रहे हैं या कहाँ कर रहे हैं। तो उनका जवाब होता है कि नहीं सर, अभी तो मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया, मगर मैं करूँगा 2 महीने बाद, मगर अभी सिर्फ मुझे आप कोई प्रोडक्ट बता दो या फिर कोई मुझे मेडिसिन बता दो या कोई स्टेरॉइड बता दो। अरे मेरे भाई, इन सब की ज़रूरत नहीं है आपको यार, समझो इस बात को, मेरी बात तो समझो यार, ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की आपको। अब आ जाते हैं हमारा थर्ड मिस्टेक, क्या करते हैं कि आप लोग है ना जिम में जितने भी जाते हैं वो अपनी एसेसरीज नहीं रखते हैं अपने पास या कैरी नहीं करते हैं। अब एसेसरीज में क्या होता है, आपके रिस्ट रैप हो गया, बेल्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, शूज़ हो गया, इन सब की बहुत इंपॉर्टेंट है जिम में, एक सपोर्टर हो गया, प्लीज़ ये सब आप अपना पर्सनल यूज़ किया करो, पहना करो। भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, हम एक मोबाइल लेते हैं यार, सबसे पहले उसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाते हैं, बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट पहनते हैं, क्यों, अपनी सेफ्टी के लिए। तो इसी तरीके से जब आप जिम ज्वाइन करते हैं तो यार यहाँ सब आपका लोहे का सामान है। शूज़ इसीलिए बोला जाता है कि एक तो आपकी ग्रिपिंग बनी रहती है, दूसरा हर जगह सामान बिखरा रहता है मेरे भाई, आपको चोट ना लग जाए। अब ये कहेंगे कि यार चोट क्यों लगेगी, मैं तो देख के करता हूँ। यार देख के तो लोग बाग ड्राइव भी करते हैं यार, एक्सीडेंट तो तब भी होते हैं ना। तो प्लीज़ ये सब आप पहना करो, इससे कई बेनिफिट होते हैं, यानी कि कभी आप इंजर्ड नहीं होगे, आपको कोई इंजरी नहीं होगी। तो इसीलिए जब आप हैवी लिफ्ट कर रहे हैं तो आप रिस्ट रैप ले सकते हो, एल्बो कैप पहन सकते हो, लेग्स कर रहे हो तो नी कैप आते हैं पैर घुटनों में जो कि पहना जाता है, तो ये सब पहना करो। देखो अगर ये सब आप यूज़ करोगे ना तो लॉन्ग टर्म तक फिट रहोगे, नहीं तो आगे चल के घुटने दर्द, एल्बो दर्द, जैसे कई लोगों के मैसेज आते हैं मेरे यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, क्यों होता है, ये यही वजह है, समझे आप। तो प्लीज़ ये सब आप पहना करो और फिर वर्कआउट किया करो। आप कहोगे कि मैं तो अभी नया नया हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे भाई ज़रूरत बहुत है, ज़रूरत तो आपको जिम की भी नहीं थी ना, मगर एक माइंड सेट हुआ कि नहीं जिम करना है, मुझे अच्छा दिखना है, अच्छा फिट होना है। तो प्लीज़ यार ये सब ज़रूरत है। आपने देखा होगा जितने भी प्रोज बॉडी बिल्डर हैं, आपने मेरी वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैं ये सब अपना पहनता हूँ, क्यों पहनता हूँ, कि मेरी सेफ्टी रहे, भाई मेरी सेफ्टी रहेगी तो मैं अच्छा लिफ्ट कर सकता हूँ और लॉन्ग टर्म तक, कई सालों तक। जैसे कि जो लोग मुझे जानते हैं, आप जानते ही हैं, जैसे मुझे 15-20 साल हो गए मुझे, क्यों, और अभी तक फिट हूँ, फिट भी हूँ और कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करता हूँ, हर साल पार्टिसिपेट करता हूँ। कैसे,
यही वजह है। तो प्लीज़ ये सब आप पहना करो तो कई सालों तक आप लॉन्ग टर्म तक आप वर्कआउट कर पाओगे, नहीं तो फिर वही रहेगा, मेरे जॉइंट्स में यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, फिर डॉक्टरों के चक्कर काटोगे, डॉक्टर क्या कहेगा, जिम छोड़ो और ये ले लो मेडिसिन। तो आप डॉक्टर की पहले बनोगे मेरी नहीं, तो प्लीज़ वो दिन ना देखना पड़े तो अभी से यार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं फोर्थ पे, जब वो बिगनर्स जो भी हैं होते हैं हमारा, वो दूसरा को देखा देखी यार वेट लिफ्टिंग करना चालू करते हैं। लिफ्टिंग में क्या होता है, एक आदमी इधर होता है, एक आदमी इस साइड होता है, एक आदमी पीछे रहता है और ज़बरदस्ती वो करा रहा होता है वर्कआउट। मेरे भाई आपको लिफ्ट उतना करना है जितना आप खुद उठा सको, समझे, दूसरों को देखा देखी हैवी मत उठाओ। जिनको आप देखते हो हैवी उठाते हुए, वो खुद लिफ्ट कर सकते हैं इसलिए हैवी उठाते हो, वो उनकी उतनी पावर है, उनकी उतनी कैपेसिटी है। तो प्लीज़ आप अपनी कैपेसिटी को समझो, आप जितना लिफ्ट इजी कर सकते हो तो शुरुआत में उतना ही लिफ्ट करो, किसी के बहकाव में मत आओ कि नहीं 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 शाबाश 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 उठा उठा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे जितना उठता है आप उतना ही लिफ्ट करो। और पांचवा यार ये है कि सबको पता है अभी वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, आप सबको पता है और आपने ये महसूस भी किया होगा कि आप वर्कआउट करके जब घर जाते हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको जुकाम लग जाता है, छींके मारने चलते करते हो या तो फीवर आ जाता है। कभी सोच के देखा है आपने ये सब क्यों होता है आपके साथ? नहीं सोचा, मैं बता देता हूँ, ये हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ मैं वही एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्या होता है कि जब आप जिम में वर्कआउट करते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, तो उसी तरीके से जब आप वर्कआउट करके इमीजिएटली जिम से निकलते हैं, बाहर का क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा, दूसरा भी वेदर वैसे ही चेंज हो रहा है, आए दिन फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, यही वजह है आप लोगों की तबीयत खराब होती है। तो प्लीज़ गाइज, मैं नहीं चाहता आप लोगों की तबीयत खराब हो, क्यों, तबीयत खराब होगी तो आपके वर्कआउट में डिस्टर्बेंस आएगा, आपका ब्रेक लगेगा, ब्रेक मीन्स आपकी छुट्टियां होने लगेगी। और मेरा मानना ये है कि यार अगर आप एक दिन की छुट्टी करते हो जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं यानी, तो आप दो दिन पीछे चले जाते हो, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो हमेशा, जब भी अगर आपको निकलना जिम से वर्कआउट करके निकलना है तो थोड़ी देर आप पहले जिम में रेस्ट करके फिर जाओ। और दूसरा, बॉडी को हमेशा कवर्ड रखो। आपने देखा बड़े बड़े एथलीट जो होते हैं, जितने भी आप एक बार नज़र घुमा के देखना, बड़े बड़े एथलीट हमेशा अपने आप को कवर्ड रखते हैं। कभी महसूस किया आपने, देखा ये सब, देखा होगा, नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना। तो प्लीज़ अपनी बॉडी को कवर्ड रखो, जब आपको लगता है कि मेरा टेम्परेचर अब ओके है तब जा करके आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करो, और प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको बताया इनको फॉलो करोगे आप। प्लीज़ गाइज यार, मेरा चैनल जो है फिटनेस से रिलेटेड है, तो मैं तो चाहूँगा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सब फिट रहे हैं यार, सब फिट रहे, टनाटन रहे, तो प्लीज़ मेरी बातों को समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ जिस जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।